कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में हुई एक जघन्य घटना को लेकर के देश भर में उबाल है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा उत्तराखंड के देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिल रहा है, जहां तमाम डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हड़ताल पर हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे, किस चीज़ को लेकर के आप लोग धरने पर बैठे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग मांग हमारी जो पूरी फैटर्निटी की वही है, हमारा सिक्योरिटी सेफ्टी रीज़न के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से सिर्फ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए और उनको सपोर्ट शो करने के लिए हम लोग कोलकाता वाले इंसिडेंट पे बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो जिनके साथ घटना घटित हुई है उसके ऊपर क्या कहते हैं कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के बाद उनके ऊपर जो भी दोषी हैं वो जेल के पीछे आए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले उसी के लिए। और आम जनता से भी अपील करते हैं कि जिस तरीके से हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, वैसे ही हमें भी कॉमन इंसान समझ के उनके हमारे साथ सपोर्ट में आया जाए। लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि इस इंसिडेंट के बारे में। कल हमारा कैंडल मार्च था, लोग हमसे पूछ रहे थे आप कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे हो, और ऑल ओवर पैन इंडिया स्ट्राइक चल रही है। पैन इंडिया स्ट्राइक के लिए हमें कॉल ऑन किया गया है, हम बस उसे फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से घटना हुई एक लड़की के साथ, तो उसको लेकर के आप लोगों में कोई डर है या सिक्योरिटी को लेकर के आप कुछ डिमांड्स करेंगे? यार डेफिनेटली गर्ल्स सेफ्टी तो सबसे पहले होना चाहिए, और बाकी जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनको एक प्रॉपर फैसिलिटी, उनके लिए एक रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम, जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी हो और उनके पास सारे एमिनिटीज़ हों कि जिससे उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, और सब कुछ उनके आसपास अवेलेबल हो, और एक गार्ड ज़रूर होना चाहिए। आपको जानकारी कब मिली कि इस तरह की घटना हुई, और उसके बाद आप लोगों के दिमाग में क्या बात आई? हमें ये जानकारी उसी दिन मिल गई थी जब ये केस हुआ था, हमें ये सारे ऑनलाइन से पता चला ऐसा केस हुआ है। फिर उसके दूसरे दिन ही फॉडा ने ये सारी निकाल दिया था कि पैन इंडिया स्ट्राइक होनी चाहिए फॉर गर्ल्स सेफ्टी सिक्योरिटी। डॉक्टर्स के साथ आए दिन कुछ ना कुछ वायलेंस होता रहता है, कभी मारपीट हो रही है, कभी कोई भी चिल्ला के चला जा रहा है, कुछ भी। यहाँ पे एक बार इंसिडेंट हो चुका है, 2-3 महीने की पहले की बात है, गन दिखा दिया था हमारे एक डॉक्टर को, उसके लिए भी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे पास आई नहीं है। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, गार्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते नहीं है। इन सब चीज़ों को लेते हुए हमने ये स्ट्राइक की है। पैन इंडिया स्ट्राइक फॉडा के थ्रू की गई है, इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे ही फॉडा के थ्रू ऐसा आता है कि हम ये स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, हमारी सारी मांगे पूरी हो गई है, तब ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। स्पेशली जो महिला डॉक्टर्स हैं उनको कई बार देखा है कि कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे उन पेशेंट्स को लेकर के उनके तीमारदारों के साथ हो या और कोई बात, तो इसको लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे आप लोगों की सेफ्टी हो सके? जब सरकार ये उम्मीद करती है कि सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सारे डॉक्टर्स पूरे टाइम ड्यूटी करें, तो सरकार को उस तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और फर्स्टली ये है कि डॉक्टर्स एज अ फैटर्निटी उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे कोई भी तीमारदार आकर किसी भी डॉक्टर पे हाथ उठा सकता है, कोई भी कुछ भी, उस पर कोई इलीगल एक्शन ही नहीं होते, उल्टा हमें ही रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर पहले तो डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आज ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है कोलकाता में, और ये कितने इंसिडेंट होते रहे होंगे अभी तक जो लाइमलाइट में नहीं आए, तो ये चीज़ इस लेवल तक हर मेडिकल कॉलेज या हर स्टेट में ना हो, तो उसके लिए आज हम ये जो हमारी स्ट्राइक है ऐसे ही कंटिन्यू करके अगर हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं और ये पॉलिटिकल इश्यूज़ को सुनने की जगह या ये जो चीज़ें हैं छोटे छोटे मुद्दों को, ये एक बड़ा मुद्दा है, एक सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, डॉक्टर जो एक अपनी डॉक्टर या कोई भी अपनी ही वर्क प्लेस पर सिक्योर नहीं है, तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि कोई अपने जिस काम करने अकेले आ रहा है, जिसने पूरी पढ़ाई करी है उसके बाद भी आज वो अपने वर्क प्लेस पर एक्सपायर हो रहा है, तो अगर ये इस देश में हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ठीक है, इसके लिए अगर हमारी सरकार हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकती है तो हमें यहाँ पे अपना काम छोड़कर बैठना ही पड़ेगा, और हम मजबूर हैं। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो फिर कल हम इस इंसिडेंट में हमारा ही नाम होगा, इसमें हम इसके विक्टिम होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कलकत्ता की घटना को लेकर के आक्रोशित हैं और हड़ताल पर हैं, पैन इंडिया हड़ताल है। उसी क्रम में आज उत्तराखंड के देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के अंदर भी तमाम डॉक्टर्स ने हड़ताल घोषित कर दी है,
ओपीडी के बाहर तमाम डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर मौजूद हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। जिस तरह से वो दिन रात लोगों की तीमारदारी करते हैं, उनका इलाज करते हैं, वैसे ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम राज्य सरकारों की है। इसको लेकर के तमाम डॉक्टर इस वक्त देहरादून में भी हड़ताल पर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।